कृष्ण भगवान की जय। बलराम जी महाराज की जय। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि आम सन्नकाम आसाद्य मदनन्ते जननी हरि गृहीत्वा दधि मन्थानं न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। एक बार की बात है, यशोदा मैया भगवान श्याम सुंदर को सुलाकर दधि मंथन कर रही थी। अपने जितने भी नौकर चाकर थे, सेवकगण, उनको उन्होंने अन्य कामों में लगा दिया था और वो स्वयं मथानी को हाथ में पकड़कर दधि मथ रही थी नारायण। भगवान श्याम सुंदर शयन कर रहे थे। ये बहुत सुंदर लीला है, भगवान की ध्यान देके श्रवण करेंगे। आपके अंदर यदि प्रेम होना तो स्वयं सेवा करने के लिए प्रेरित होंगे, और प्रेम यदि नहीं है तो फिर दूसरे से सेवा करा लेंगे। आपके अंतःकरण में प्रेम है तो स्वयं भोजन कराओगे, आप परोसोगे, ये रोटी, ये दाल, ये चावल। और यदि प्रेम नहीं है तो आप बोलोगे लेके खा लो, अपने हाथ से लेके खा लो, क्या है। या तो आप बोलोगे दूसरे को, इनको भोजन करा दो। आपके अंतःकरण का जो प्रेम है वो क्रिया बन के बाहर आ जाता है, वो शब्द बनकर बाहर आ जाता है, आचरण बनकर बाहर आ जाता है, वो दान बनकर बाहर आ जाता है, देने के रूप में बाहर आ जाता है। वो आप भगवान के मंदिर में गए और भगवान के प्रति आस्था होगी नारायण, तो वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम के रूप में वो बाहर आ जाएगी। आज भी वो नहीं है तो वो किसी भी क्रिया, द्रव्य अथवा भाव के रूप में बाहर अभिव्यक्त नहीं होगी। मां के अंतःकरण में ऐसा प्रेम प्रभु का सेवा के रूप में प्रकट हुआ। मां सोच रही थी कि मैं माखन निकालूंगी और श्याम सुंदर को मैं माखन खिलाऊंगी। अनेकों सेवकगण होने के बाद भी मां दूसरे से मथा नहीं रही थी नारायण, वो खुद मथ रही थी। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी कहते हैं, हृदय का जो प्रेम है वो शब्द और क्रिया के रूप में बाहर आ जाता है। प्रेम की जो बोली है वो संगीत है और प्रेम की जो चाल है वो नृत्य है। दुनिया में नृत्य और संगीत का आविष्कार मंदिर से हुआ है। भगवान के भक्त ने प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य किया, उन्होंने गाया नारायण, संगीत बना, नाचा, नृत्य बना। आपके अंतःकरण में यदि प्रेम होगा तो आपके चाल में भी नृत्य होगा, लालित्य होगा, आपके बोली में वो मधुरता होगी, बोली में आनंद होगा, रस होगा। और आपके अंतःकरण में घृणा है, जलन है, द्वेष है तो आपके चलने में भी कोई लालित्य नहीं, बोलने में भी कोई सौंदर्य नहीं। मां के अंतःकरण में प्रेम है तो मां गा रही है, भगवान के दिव्य गीत गा रही थी मां, और वो पैर मानो थिरक रहे हो मां के। मां की उम्र भी कम नहीं, अभी 90 साल की मां है, 90 साल की है। हमारी मृदुला माता इतनी होगी उम्र की है? नहीं, अभी 90 तो नहीं हुई हमारी मैया। मान लो हमारी शारा माता जितनी, और वो बहुत बड़ी मथानी थी, वो 5 फुट
बहुत बहुत बड़ी रस्सी लपेटी हुई, दोनों हाथों से ऐसे घर 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 ऐसे पूरा व्यायाम हो रहा था, योगा हो रहा था। आजकल लोग पार्कों में घूमते तो ऐसे ऐसे करते हुए दौड़ते हैं। अब घर में तो दधी मतने को रहा नहीं, अब बाहर मतते फिरो, और घर में भी थोड़ा दधी होगा तो क्या करोगे, छोटी सी मथानी होती है इलेक्ट्रॉनिक, ओ इतना सा दही गुर्र हो गया निकल गया, क्या व्यायाम है उसमें, कुछ भी नहीं है। और वो बहुत व्यायाम होता था उसमें, 84 आसन उसे एक एक ही बार के मथानी में। मैया बहुत मोटी ताजी, बहुत ताकतवर थी मैया, 80 साल की होने के बाद भी मैया बहुत शक्तिशाली थी नारायण। भगवान श्याम सुंदर सो रहे थे, जगे भगवान, भगवान सोच रहे थे कि मैया गा रही मेरे को याद कर रही है और मैं सोऊं क्या, नहीं नहीं नहीं। भगवान श्याम सुंदर नारायण जगे और भगवान ने चारों ओर दृष्टि डाली, माँ कहाँ है। भगवान को प्यास लगी, ताम स्तन्य काम आसाद्य मतनंती जननी मही गृहीत्वा दधि मंतानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। आज जो अकाम पुरुष है उसमें एक दुग्धपान करने की इच्छा पैदा हो गई और मैया के पास पहुंच गए और वो रोते 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 मैया को, लाला ने बोला मैया मेरे को दूध पिला दे, मैया मेरे को दूध पिला दे, भूख लगी है। दोनों हाथ मैया के पैरों में डाल दिया भगवान ने, घुटने पकड़ लिए और बार बार बोलने लगे मैया मेरे को दूध पिला दे। मैया ने कहा रुक लाला रुक, अभी थोड़ा माखन निकाल लेती हूँ उसके बाद मैं तुमको दूध पिला देती हूँ। लाला ने कहा नहीं 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 मैया अभी बहुत भूख लगी, और वो मैया की तरफ देखते हुए घुटने पकड़ रखे भगवान ने दोनों हाथों से कस के, और सिर उठा करके मैया की तरफ देख रहे हैं, और मैया बार बार इशारा करी लाला अभी रुक जा, लेकिन भगवान मान ही नहीं रहे, बोले नहीं मैया दूध पिला दे। भगवान श्याम सुंदर कमर में हाथ डाल के घुटने पर पैर रख के और ऐसे उछल के मैया के छाती तक पहुंच गए, दोनों हाथ मैया के गले में डाल दिया और अपना मुख मैया के गाल में लगा के बोलने लगे मैया मेरे को भूख लगी दूधपान करा दे, दूध पिला दे। ओहो हो माँ वात्सल्य से परिपूर्ण यशोदा मैया बैठ गई, वही मथानी छोड़ दी उन्होंने और भगवान श्याम सुंदर को गोद में लेकर बैठकर दूधपान कराने लगी। उधर चूल्हे के दूध के जलने की गंध माँ के नाक तक पहुंची और मैया ने लाला को अपने गोद से उठा करके जमीन पे रख दिया, रखा कि पटका पटक दिया, थोड़ा जल्दीबाजी में थी ना मैया, हम दूध को बचाने के लिए जा रही थी, थोड़ा पटका, और भगवान को ऐसा लगा कि माँ ने मेरे को पटक दिया, पटक दिया। बहुत गुस्सा आया भगवान को और भगवान सोच रहे थे नारायण मैया का मेरे से प्रेम नहीं है, पहले तो मथ रही थी मथानी से प्रेम, मखा माखन से प्रेम, दूध दही से प्रेम, और ये तो मेरे को पटक करके चली गई दूध को बचाने के लिए। भगवान श्याम सुंदर इधर उधर देखने के बहुत क्रोध में आए भगवान, और वही चटनी पीसने का पत्थर था बड़ा, उठाया भगवान ने और उठा करके नारायण उस मटके पर भगवान ने दे मारा, मटका फूटा सारा उसका दही और उसके अंदर जो मट्ठा था माखन था बिखर गया, और भगवान के चरणों को छूता हुआ बहुत दूर तक वो बहने लगा, भगवान के पैर भी उसमें गीले हो गए नारायण। भगवान समझ गए अब तो मटका फूटा, माँ आएगी मारेगी, भागो यहां से। मैया आई नारायण, मैया ने देखा मटका तो उसी ने फोड़ा है, लेकिन जब मैं पूछूंगी तो वो यही बोलेगा मैंने मटका नहीं फोड़ा है।
लेकिन माँ को बहुत गुस्सा था नारायण आज, क्योंकि वो मटका बहुत पुराना था, वो उनको अपने सास से उपहार में मिला था शादी के बाद। हाँ। और वो सास के इतना बड़ा, और उन्होंने बोला था, देख बहू ये बहुत पुरानी निशानी है हमारे पूर्वजों की है, 100-200 साल पुराना है, और इसमें सारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, और ये तुमको धरोहर के रूप में सौंपती हूं। और वो मटका लाला ने फोड़ दिया। आज माँ सोच रही थी नारायण, मैं लाला को दंडित करूंगी। मैं दौड़ करके माँ ने लाला को पकड़ा, और पकड़ करके माँ ने हाथ एक हाथ में छड़ी है मारना चाह। बाला नाम रोदनम बलम, भगवान ने सोचा अब मेरे को बचने का एक ही उपाय है, जोर से मैं रो तो माँ मेरे को मारेगी नहीं, और जितना जोर से रो उतना मैं मार खाने से बच जाऊंगा, जितना जोर से रोऊंगा उतना। और वो ऐसा रो रहे थे जैसे माँ ने खूब पिटाई की हो, आंखों से अश्रु बह रहे थे, वो चिल्ला चीख रहे थे, नाच रहे थे भगवान। और वो दैन्य में महाराज आपने देखा होगा कि उनके नाक से ऐसा वो निकल रहा था, क्या निकलता है भगवान के नाक से, वो क्या निकलता है आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, अरे वो नाक से निकल रहा है, आंखों से, वो दैन्य, और वो ऐसा कर रहे हो, बहुत भयंकर रूप है भगवान का, ऐसा लगा कि मानो ये माया ने तो इनको पता नहीं कितना मारा कितना पीटा। सैकड़ों गोपियां दौड़ करके वहां आ गई, महा इतना मार, मर गया। हाँ वो बीच बीच में बोल भी रहे थे मर गया, क्योंकि वो नाटक करने में तो बहुत तेज है ना, मर गया, ओ मैया ने मार दिया मेरे को। दौड़ करके गोपियां आई, इतनी निर्दयी मैया, लेकिन महा भी बहुत गुस्से में थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी मैया के पास आने की, दूर से देख रही थी, और वो सोच रही थी कि देखो ये बुढ़ापे में बच्चा हुआ, इनको पालना नहीं आता, इतना मारना चाहिए बच्चे। और जब रोना देखा मैया ने, मैया समझ गई अब क्या मारूं मैं, ये तो मारने के पहले ही इतना दुखी हो गया परेशान, अब मैं क्या मारूं। लेकिन मैया ने कहा मारूंगी तो नहीं, लेकिन तुमको छोड़ूंगी नहीं, रस्सी से बांध के रखूंगी। माँ ने कहा रस्सी से बांध कर तुमको रखोगे, यही दंड तुम्हारा। अब मैया रस्सी ढूंढ रही थी नारायण, कहाँ है रस्सी। माँ ने लाला का हाथ पकड़ा है, और मैया घर में आंगन में सब जगह पर जाके रस्सी ढूंढने लगी, कहीं रस्सी नहीं मिली। पहली बात तो मिलती नहीं है, भगवान को बांधोगे किससे बांधोगे, आपको भगवान को बांधना है तो आप ढूंढोगे मंत्र साधना गुरु कहाँ मिलते हैं जल्दी, ढूंढने से नहीं मिलते हैं। और कई बार तो बहुत नजदीक होते फिर भी नहीं मिलते हैं, कई बार तो गुरु अपने ही पास है लेकिन हम ढूंढते हैं दुनिया में इधर उधर। मैया के ध्यान में आया, अरे मथानी में रस्सी तो है, जो मथानी थी ना, मथानी के चारों ओर लपेटी हुई रस्सी थी, मोटी ताजी, 3-4 हाथ। दौड़ती हुई माँ हाथ कस के पकड़ा, खींचते हुए ले गई लाला को, और उस मथानी की रस्सी को माँ ने निकाला। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, माँ बांधना चाहती है भगवान, तो माँ ने भगवान को बांध तो दिया था, किससे, हाथ से बांधा, पैर से बांधा, कमर में बांधा या गले में बांधा, कहाँ बांधा माँ ने, माँ ने भगवान को बांध दिया था तो किससे, हाथ में, किस में बांधा, हाथ में बांधा, पैर में बांधा, गले में बांधा, कमर में बांधा, गले में, कोई बैल है क्या, गले में नहीं बांधा माँ ने, हाथ में भी नहीं बांधा, क्योंकि मालूम था कि ये रस्सी मोटी है, चिकनी चोपड़ी है, ही ऐसे निकाल लेगा, छोटे छोटे तो हाथ थे, पैर में भी बांधा नहीं माने, क्योंकि पैरों से भी निकाल, गले को, गले में तो बांधने का सवाल ही नहीं था। माँ ने सोचा इसके कमर में बांधूंगी,
और कमर में बांधना सुरक्षित भी है और ये छुड़ा भी नहीं पाएगा। बहुत मोटी रस्सी होती है, आपने कभी देखी? आप कहाँ से देखोगे? आप आपने कभी दही मथा नहीं होगा तो कहाँ से देखो, इतनी मोटी होती है ना, काफ़ी मोटी रस्सी होती है। इतनी मोटी रस्सी से हाथ पे तो बांधना संभव ही नहीं। माँ ने थोड़ा सा उसको ढीला किया और कमर में लाला के रस्सी बांधने के लिए रस्सी लपेटी। सुखदेव जी महाराज जी ने देखा और एक बड़ी मजेदार बात बोली, यदासी तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संधरे तदपि त्रंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। जब माँ बांधने लगी नारायण तो दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई, दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई। माँ ने खींचा, बहुत खींचा और वो रस्सी छोटी नहीं थी, वो कम से कम नहीं तो चार हाथ रस्सी, और लाला की कमर तो इतनी। माँ ने फट से रस्सी फेंक दी और माँ ने देखा लाला की कमर कितनी है, देख तो लू, हाथ लगा, ओ इतनी सी कमर हाथ में आ गई, लाला की कमर हाथ में आ गई, वो इतनी सी छोटी सी कमर, अभी मैं बांध देती हूँ। और रस्सी जैसे लपेटने लगती माँ और दो अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। भगवान ने चमत्कार दिखा दिया, भगवान ने माँ को इशारा कर दिया, मैया मैं अनंत हूं दुनिया में, मेरे को बांधने वाली कोई रस्सी बंधी नहीं है और तुम मेरे को बांधना चाहती हो। ये भगवान के भगवत्ता के दर्शन थे नारायण, लेकिन माँ को समझ में नहीं आया। भगवान की कई अनुभूतियां हमारे जीवन में हो जाती है लेकिन हमको समझ में नहीं आती है, नहीं आती, बाद में समझ में आ जाती है। कई बार तो वर्षों बाद मालूम पड़ता है, अरे हमने वो चीज भगवान की कृपा देखी थी। घर में जितनी भी रस्सियां थी सारी रस्सियां माँ ने बांधी लेकिन भगवान बंधन में नहीं आए। परिश्रम हुआ माँ को बहुत, पल्लू माथे से नीचे खसकने लगा, बाल में फूल लगे थे वो गिरने लगे, पसीना पसीना हो गई मैया। भगवान को दया आ गई माँ के ऊपर। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने, माँ के ऊपर कृपा की नारायण भगवान ने और बंधन में आ गए। जैसे हाथ से रस्सी छूटने लगी थी माँ की, इतनी माँ व्यथित हो गई, बांधते 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 और ऐसा लगा अब गया, अब मैं बांध नहीं पाऊंगा, और ऐसे रस्सी छूटने लगी और भगवान बंधन में आ गए। अच्छा एक मेरा प्रश्न है, भगवान बंधन में आ गए माने बांधा कि भगवान बंधन में आ गए? लेकिन माँ को ऐसा ही अनुभव हुआ कि मैंने बांध दिया, माँ को अनुभव हुआ मैंने बांधा लेकिन भगवान बंधन में आ गए कृपा से? ये दो अंगुल जो रस्सी है ना, ये साधना की बात यहां बहुत सुंदर कहती है। दो अंगुल रस्सी, आपको परमात्मा को पाना है तो दो अंगुल रस्सी चाहिए, क्या है? जीवात्मा का पुरुषार्थ और भगवान की कृपा। एक अंगुल रस्सी है जीवात्मा का पुरुषार्थ, आप पुरुषार्थ करो, जप करो, ध्यान करो, साधना करो। ये एक अंगुल पूरी हो गई और दूसरी अंगुल नारायण भगवान की कृपा। तो भगवान आपको मिल जाते हैं। आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्याशितव्य, आप श्रवण कर रहे हैं, आप मनन कर रहे हैं, यह आपका पुरुषार्थ है। इसलिए श्रुति आपको बार बार कहती है करो, श्रोतव्य श्रवणम करनीयम, यह आपका पुरुषार्थ है नारायण, आपको करते रहना चाहिए, फिर गुरु की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी और आपको आत्मबोध होगा, आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। ये दो अंगुल रस्सी पूरी होना चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा कब होती है? जब जीवात्मा पुरुषार्थ करता है, जब आप पुरुषार्थ करते हो, लेकिन केवल पुरुषार्थ करने से भगवान की कृपा नहीं होती है,
आप इतना पुरुषार्थ करो, इतना पुरुषार्थ करो, इतना पुरुषार्थ करो कि पुरुषार्थ करते 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 आप हार जाओ, करते करते थक जाओ। आप भी थकते हो, लेकिन करके थकते हो कि बिना किए? बात ईमानदारी की यही है। हमारे हाथ से भी माला गिर जाती है, लेकिन वो थक के गिर जाती है कि आलस प्रमाद में गिर जाती है? आलस से, प्रमाद से। इतना चलो, इतना चलो, इतना चलो, और चलते चलते ऐसा लगे कि प्रभु अब मेरा पुरुषार्थ जो है तुम तक पहुंचने में समर्थ नहीं है। ये जीवात्मा का पुरुषार्थ करते करते, पुरुषार्थ करके परमात्मा को पाने की जो भावना, अंतिम अहंकार टूट जाए और उसी समय भगवान की कृपा हो जाती है। करके पुरुषार्थ, करने का अहंकार टूट जाए तब भगवान की कृपा हो जाती है। एक बार माँ आनंदमयी को किसी ने पूछा, माँ लोग सुनाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, क्या ये बात सही है? माँ ने कहा बिल्कुल गलत, अहम कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। यदि वो अहम अहम है तो ब्रह्म कैसे होगा? अहम जब तक अपने को ब्रह्म में समर्पित नहीं करेगा तब तक वो ब्रह्म कैसे होगा? आपकी गंगा मैया गंगा है और उसके बाद जाके कलकत्ता में गंगा सागर हो जाती है और उसके बाद सागर है। ये उदाहरण आपके सामने बहुत सुंदर है। गंगोत्री से निकली गंगा, गंगा सागर तक गंगा है और उसके बाद फिर समुद्र में मिलने के बाद वो समुद्र है। गंगा और समुद्र के बीच में गंगा सागर, उसमें गंगा भी है सागर भी है, जीव है। अभी गुरु से नहीं मिले, साधना नहीं मिली, वो गंगा की तरह है। आपको गुरु मिले, साधना मिली और आप हो गए गंगा सागर। अब आप अभ्यास करो अहम ब्रह्मास्मि। आप सुबह के सत्र में साधना करते हो, सो हम सो हम सो हम सो हम, ये गंगा सागर की तरह अभ्यास कर रहे हैं आप। माने गंगा सागर माने गंगा अभी समुद्र में मिली नहीं है, वो मिलने का प्रयत्न कर रही है, वो कोशिश कर रही है सागर में मिलने के लिए। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि आप साधना कर रहे हैं लेकिन अंत में सागर। और जब सागर में मिल जाए तो वहां गंगा नहीं है, फिर सागर ही सागर है, वहां एक ही चीज है। फिर जब तक हम अपने व्यक्तित्व का व्यामोह, अपना अज्ञान हटाते नहीं तब तक उस चेतना के साथ एकरूपता संभव नहीं है। अहंकार का विसर्जन ही प्रभु की कृपा को पाने का एकमात्र उपाय है और साधना करके परमात्मा को पाने का जो अहंकार है वो अंतिम अहंकार है। और उस अहंकार को तोड़ना है नारायण साधना के द्वारा। बहुत गहरी रहस्य की बात यहां पर साधना की बात कही, साधना की प्राप्ति और साधना से परमात्मा को पाने के बाद उस साधना से भी विरत हो जाना, उपरत हो जाना, यही आपके साधना का रहस्य है। इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम समय के अभाव में नहीं कह पा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर को माने बांध दिया नारायण रस्सी से। आज भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोली दामोदर भगवान की जय। दामोदर भगवान की जय, नाम बढ़ गया ना भगवान का दामोदर। दूसरा शोर मैया ने बांध लिया है उखल के साथ, एक बहुत बड़ा पत्थर का उखल है उसमें बांध लिया। और मैया उस मटके को देखने के लिए गई नारायण, साफ सफाई करवाने के लिए।
किधर भगवान श्याम सुंदर बैठ गए उस पाषाण के चट्टान पर, उखल पर, उखल है ना, खल है, खल खल है, भगवान खल पर बैठे, नीचे खल है, ऊपर भगवान है। हमारे अंदर की जो खलता है वो भी दूर तब तक नहीं होगी जब तक हम भगवान को वरीयता न दे, हम अपने जीवन में भगवान को वरीयता दे, ऊपर भगवान रखे, तो वो खलता दब जाता है। भगवान सोच रहे थे मैया ने उखल से बांधा है तो कुछ काम तो करना चाहिए। भगवान उखल को खींचने लगे, सारे गाल बाल वहां पर पहुंचे, उन्होंने बैलगाड़ी बना दी महाराज और उखल के ऊपर बैठ गए और हांकने लगे, बैल बना दिया भगवान को, भगवान खींच रहे हैं उखल और वो ग्वाल बाल उखल के ऊपर बैठे हैं, कुछ छड़ी लेकर के भगवान को हाँक रहे हैं, बैल को जैसे हाँकते हैं, आनंद मना रहे हैं बच्चे, ओ खूब आनंद मना रहे, भगवान की लीलाएं, ये गोकुल की आनंद मनाने की लीलाएं। और इतना बड़ा उखल, बहुत बड़ा उखल था, वो बड़ों की नजर नहीं पड़ी, बच्चों का खेल बन गया उखल। और भगवान तो यूं घसीट रहे थे आंगन में, इधर से उधर, उधर से इधर, वो आनंद ही आनंद, ओ हांकना शुरू इनका, किसी की नजर नहीं पड़ी। और भगवान, भगवान ने सोचा कि अब ये तो हमको बैल बना ही चुके हैं और दो पेड़ थे वहां जुड़वे, दो पेड़ों के बीच से होके निकल गए। भगवान को मालूम था इसको अटका देना है, कब तक बैल बनता रहूं मैं। आज जैसे वो उखल अटक गया, ग्वाल बालों ने कहा खींचो और खींचो और खींचो, खींचने लगे जोर जोर से, भगवान एक झटका लगाया और वो दोनों पेड़ समूल उखड़ गए नारायण, और उखड़ करके गिरे और उसमें दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। उन दिव्य पुरुषों ने भगवान की स्तुति की नारायण। नारद जी महाराज जी के श्राप से कुबेर के दो पुत्र थे वो पेड़ बन गए, और उनको वो वरदान था भगवत संस्पर्श होने के बाद तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। भगवत संस्पर्श मिला और वो दोनों दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। यहाँ भगवान हंस रहे थे, नारायण हंस रहे थे, क्यों हंस रहे थे, भगवान सोच रहे थे देखो क्या लीला, जो मैं मुक्त हूँ वो बंधन में पड़ा हुआ हूँ, और जो अभी बंधन में थे ये मुक्त होके मेरे सामने खड़े हैं, ये कैसी अद्भुत लीला, जो मुक्त है उसको माने बांध दिया है, रस्सी में डाल दिया, और जो बंधन में थे वो अब मुक्त होके मेरी स्तुति कर रहे हैं, इसलिए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे भगवान। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा हे कुबेर पुत्रों, मेरे कमर में रस्सी बंधी है, दूसरा छोर उखल के साथ है, बताओ ऐसा रूप तुमने कभी देखा है क्या, और मैं कैसे दिखाई दे रहा हूं थोड़ा बताओ तो। कुबेर पुत्रों ने कहा प्रभु आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो, आपके कमर में रस्सी बंधी है, दूसरा छोर उखल के साथ है, और हम चाहते कि हमेशा आपके कमर में ऐसे ही रस्सी बंधी हुई हो जिससे कि हमारे जैसे खलों का उद्धार हो। तुम्हारे कमर में ये उखल बंधा न होता तो मेरा कभी उद्धार नहीं होता, हमारा उद्धार हुआ इस उखल के कारण, इसलिए हम तुमसे ज्यादा इस उखल को प्रणाम करते हैं, नमो नमः। वहां से नारायण वो दोनों चले गए, पेड़ गिरने की आवाज आई, यशोदा मैया नंद बाबा अनेकों गोप गोपियां वहां पहुंचे, अभी किसी की हिम्मत नहीं भगवान के पास आने की। बाबा ने आके लाला को गोद में लिया, रस्सी खोली नारायण, बड़ी सुंदर लीला है। बोली दामोदर भगवान की, ये उखल बंधन लीला अनेकों रहस्यों को लेकर है, आपको संक्षेप में सुना दिया। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के वृंदावन आए, आप गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ गए नारायण, यहाँ अघासुर का उद्धार, बकासुर का, अनेक असुरों का उद्धार किया भगवान ने।
ये अद्भुत लीलाएं भगवान की हैं। भगवान श्याम सुंदर का प्रेम गोपियों के साथ है, गोपियों का प्रेम भगवान श्याम सुंदर के साथ है। भगवान श्याम सुंदर ने एक बार देखा कालीय कुंड में कालीय नाग के कारण बहुत विषाक्तता फैली है। अभी आप वृंदावन में जाना, वृंदावन की यमुना मैया भी ऐसी बहुत मटमैली हो चुकी है। लगता कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसी मटमैली कभी हो चुकी थी वो, और भगवान श्री कृष्ण ने उसका मैलापन दूर कर दिया था, और अभी भी किसी कृष्ण की जरूरत है। भगवान श्याम सुंदर ने छलांग लगा दी और उसके अंदर जो काली नाग सब परिवार निवास कर रहा था उसको वहां से भगा करके उसका शुद्धिकरण किया। इस प्रसंग में नाग पत्नियों ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुता नाम तुल्य दृष्टि धत्से दमम फलमेवानुशंसन। उन्होंने कहा कि प्रभु क्रोधोपिते अनुग्रह एव, आपने जीवन में जो भी कुछ हमको दिया है वो सब अनुग्रह है। अनुग्रह, बड़ी गहरी बात बोली। नाग पत्नियां भगवान से बोल रही, तुमने जो भी कुछ दिया है वो अनुग्रह है। तुमने हमको सुख दिया वो भी अनुग्रह है, और दुख दिया वो भी अनुग्रह है। तुमने हमें काम दिया वो भी अनुग्रह, क्रोध दिया वो अनुग्रह। हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं वो सारी अनुग्रह है। चलो मैं उदाहरण में बता देता हूं। आप डरते हो ना, डरते हो कि नहीं, या कितने लोग डरते हैं? चलो जो नहीं डरते हैं वो ऊपर हाथ करो। यहां जितने भी लोग हैं ना वो सब थोड़ा थोड़ा डर है, धनराज जी थोड़ा बहुत सबको डर। आप जब अपने निवास से यहां तक पहुंचे तो आप डरते डरते पहुंचे कि बिना डरे? आपको तो ऐसा लगता होगा कि हम बिना डरे आ गए, लेकिन नहीं, डरते डरते। जब मैं मंच पर चढ़ रहा था ना तो बिना डरे चढ़ रहा था कि डरते 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 गिरने का डर था? मैं जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो गिरने का डर था, इसलिए हम सावधान होकर धीरे धीरे चढ़ रहे थे, और वो गिरने का डर ना हो तो गिर जाए। आप जब त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए गए तो ईमानदारी से आप डरते डरते नहाए कि बिना डरे? बच्चे बोल रहे अरे वहां भी डरते डरते, कितने डर थे, कहीं कान में पानी न जाए, कान में पानी जाने का डर, ज्यादा ठंड लगने का डर, अरे बुखार ना जाओ वो ठंडा जाए, ज्यादा ठंड लगने का डर, और थोड़ा गहरे पानी में जाने का भी डर। आगे गए और ज्यादा गहरा पानी आ गया तो यदगत्वा नहीं मरते थे, राम राम। तो आप स्नान कर रहे थे तो भी डरते डरते, कितनी महत्वपूर्ण बात है, डरना कितना महत्वपूर्ण है, आपकी रक्षा करता है वो। आपको कदम कदम पर भय आपकी रक्षा करता है। और अच्छा, आप भोजन करते हो तो डरते डरते कि बिना डरे? डरते डरते, क्योंकि पेट खराब होने का डर। आप डरते डरते खाते हो, ज्यादा खाने पर कहीं बीमार न पड़ जाए, इसलिए आपके अंदर जो भगवान ने भय दिया ये बहुत अच्छी बात है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नागपत्नियां बोल रही है। क्रोधो पिते अनुग्रह, यहां अपि शब्द है ना, सबका समुच्चय नारायण। आपके अंदर जो भी चीजें भगवान ने डाली हैं वो सारी चीजें आपके लिए वरदान हैं। अब आपको उसका उपयोग करना है, आपको उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कितना डरना है और कितना नहीं डरना है। समझ गए? यहां बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं।
यदि सुबह 3 घंटा शाम को 3 घंटा कथा हो तो बहुत आनंद आए, या 4 घंटे कथा में तो हमारा जनरेटर ही गर्म नहीं होता है। कितनी बातें बोले, 18,000 श्लोक हैं। अभी माँ आनंदमय आश्रम में भीमपुरा गुजरात में 21 फरवरी से 2 मार्च तक भागवत की कथा है, सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे, वहां हम विस्तार से बोल पाएंगे। बहुत सुंदर नर्मदा किनारा है, 21 तारीख को हम लोग वहां पहुंचेंगे और वहां 24 से 2 मार्च चलो फरीराज जी आनंद मनाएंगे वहां, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को। बहुत सुंदर नाग पत्नियों ने नारायण यहाँ प्रार्थना की है, भगवान ने काली नाग को वहां से हटाया, बड़ा सुंदर प्रकरण है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपुषम वैजयंतीम च माला रंधार वेनो रदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्राविशीत कीर्ति। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण
सच्चिदानंद भगवान की जय। बरहा पीडन नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विव्रतवासः कनक कपुषं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रार्वीणोरधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदर्मणं प्राविशत्कीर्ति। भगवान का बहुत सुंदर रूप है नारायण। अब भगवान श्याम सुंदर थोड़ा गाय चराने के लिए जाने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों को स्वीकार किया। चीरहरण का प्रसंग ये गोपियों के स्वीकृति के अर्थ में है। और भगवान श्याम सुंदर महारास का आयोजन करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले भगवान ने अपनी भगवत्ता का परिचय दिया है। 7 वर्ष की उम्र भगवान की है और बाबा को देखा, उन्होंने कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा बाबा को, बाबा आप क्या करना चाहते हैं? बाबा ने कहा, बेटा हम गिरिराज का इंद्र का पूजन करना चाहते हैं। इंद्र का पूजन हम हर वर्ष करते हैं। इंद्र बारिश करता है, उससे जल मिलता है, घास मिलता है, अनाज मिलता है। इंद्र हमारा संरक्षक और उसको प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ भगवान ने बहुत क्रांति की बात बोली महाराज, क्रांति की बात बोली भगवान ने। कहां ये 7 वर्ष का बालक और इतनी अद्भुत क्रांति की बात बोली। भगवान ने कहा, बाबा हमारे जीवन का निर्माण करने वाली 3 चीजें हैं, एक पुरुषार्थ, दूसरा भाग्य और तीसरा भगवान। आप इन तीनों में किसको वरीयता देना चाहते हो? जो अपने पुरुषार्थ को नहीं मानते हैं वो लोग भाग्य भाग्य बोलते रहते हैं। भाग्य भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। ज्यादा ज्यादा लोग बोलते हैं भगवान की कृपा होगी तो मिलेगा। कई बार हम लोगों को पूछते हैं, भैया वृंदावन आओगे? तो लोग बोलते हैं, महाराज भगवान की कृपा होगी तो आएंगे, भाग्य में होगा तो आए। ये भगवान की कृपा और भाग्य आदमी को श्रमहीन बना देता है, पुरुषार्थ को कमजोर कर देता है। इसे आदमी को भाग्यवादी या भगवानवादी नहीं होना चाहिए, आदमी को पुरुषार्थवादी होना चाहिए। आप पुरुषार्थ करोगे तो वो भाग्य बनेगा, आप पुरुषार्थ करोगे तो भगवान की कृपा भी होगी। और आप केवल भगवान 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 करते रहोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भगवान की कृपा भी नहीं होगी। माने भगवान को बांधा जरूर और भगवान की कृपा भी हुई मां के ऊपर, लेकिन कब माने उनको बांधने का प्रयत्न किया तब। और माने बांधने का प्रयत्न नहीं किया होता तो भगवान बंधन में नहीं आते। आज कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं, ये अत्याचारी दुष्ट कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, 1000 लोगों का उन्होंने उत्पीड़न किया, लेकिन सब लोग क्या सोच रहे थे, 8वां आएगा, रक्षा करने के लिए 8वां आएगा। आप बहुत ज्यादा भगवानवादी हो गए। आप वर्षों तक अत्याचारी शासक का अत्याचार सहन करते रहे और आप यही सोचते रहे 8वां आएगा, रक्षा करने के लिए आएगा। जब आपके देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ, मुट्ठी पर मुगल आए और जब वो मंदिर तोड़ने लगे तो आपने क्या सोचा, वो बचाने वाला आएगा बचाने के लिए। वो मंदिर में जो भगवान है वो हमारी रक्षा करेगा। आप बहुत ज्यादा भगवानवादी हो गए। उस समय लाखों लोगों को उठ के खड़े हो जाना चाहिए था, ये देश कभी गुलाम नहीं होता।
बहुत मुट्ठी भर अंग्रेज लोग कलकत्ता में प्रवेश कर रहे थे बंगाल को जीतने के बाद, और हमारे लाखों लाखों बंगाली उस शहर में दोनों किनारे खड़े थे रास्ते में, और एक एक पत्थर भी उठा के मारते तो अंग्रेज शहर छोड़ के भाग जाते, लेकिन वो देख रहे थे बस। केवल अंग्रेज ऑफिसर आश्चर्यचकित थे, शहर में प्रवेश करने में हमें बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो देख रहा था। सारे लोग तो ऐसे यूं देख रहे थे जैसे तमाशा देख रहे हो। आप बहुत ज्यादा भाग्यवादी, बहुत ज्यादा भगवानवादी बनोगे तो आप कायर की तरह बनोगे, आप अपने पुरुषार्थ को छोड़ दोगे और अपने ढेर सारे दुखों को पैदा करोगे। इसलिए भगवान आज कह रहे, बाबा आप बहुत ज्यादा भगवानवादी बन रहे हो। ये ब्रजमंडल के जितने लोग बहुत ज्यादा भगवानवादी, सारे लोग बोल रहे थे आठवां आएगा हमारी रक्षा करने के लिए। अरे वहां तो जन विद्रोह हो जाना चाहिए था, वहां लाखों लाखों नवयुवकों का खून खोल उठना था। पहले बच्चे की जब हत्या कर दी कंस ने, सारे नवयुवकों को उठ के खड़े हो जाना चाहिए था और विद्रोह कर देना चाहिए था कंस के विरोध में। लेकिन हर नवयुवक भी यही सोच रहा था आठवां हमारी रक्षा करने के लिए आएगा। आज भगवान श्याम सुंदर क्रांति करना चाहते हैं। ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला ये पुरुषार्थ की लीला है। ये भगवानवाद से ऊपर उठाकर आदमी के जीवन में श्रम की प्रेरणा भरने की लीला है। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। भगवान ने कहा, बाबा हमारे जीवन में कर्म के बिना कौन सी चीज मिलती है बताओ? बिना किए कुछ मिलता है क्या? कर्मैव गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है जो पैदा करता है। आप ईश्वर को भी ईश्वर क्यों मानते हो? क्योंकि वो पैदा करता है। आप माता पिता को भगवान क्यों मानते हो? क्योंकि वो हमको पैदा करते हैं। सृजकत्व ईश्वर का गुण है, पैदा करना ईश्वर का गुण है। कर्म से सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। कर्मैव गुरु और कर्मैव ईश्वर, बड़ी गहरी बातें हैं। आपको कोई भी चीज सीखना हो आपको कर्म करते रहना चाहिए, आप सीख जाएंगे। आपको रोटी बनाना सीखना है और उपाय क्या है? रोटी बनाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा आप सीख लेंगे। पहले थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होगी, वो धीरे धीरे सीख लेंगे। अच्छा आपको तैरना सीखना हो तो तैरने के अलावा कोई उपाय मेरे को बताओ। तैरना सीखने का उपाय, तैरने के अलावा कोई उपाय है क्या तैरना सीखने का?